क्या किया था कल बेटा? हाँ बेटा, इनफ गर्ल्स, so we have discussed the atomicity yesterday. What is atomicity? Yes, Ashmeen. Ma'am, definition. हाँ जी बोलिए बेटा. मैम एटॉमिसिटी की डेफिनेशन पूछनी थी. एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एलिमेंट एटॉमिसिटी. कितने एटम्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, डेट इज एटॉमिसिटी. उसके भी यहाँ पे हमने मोनो एटॉमिक पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक एटम है, हीलियम, नियॉन, यानी कि नोबल गैसेस जो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती हैं. देन डाई एटॉमिक ओ टू एन टू एच टू सी एल टू बी आर टू आई टू, ठीक है. तो ये सारे जो हैं दे आर डाई एटॉमिक. देन कम्स ट्राई एटॉमिक जिसमें तीन एटम्स हों, ठीक है जी. एक सल्फर का दो ऑक्सीजन के, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो वाटर हाइड्रोजन सॉरी, ठीक है. तो टू प्लस वन थ्री, वन प्लस टू थ्री, वन प्लस टू थ्री. देन इज टेट हमारे पास खुद नहीं है बेटा, कलर लेने ले ले. नेक्स्ट इज टेट्रा एटॉमिक. टेट्रा मीन्स हैविंग फोर एटम्स. टेट्रा या पॉली एटॉमिक हम इसमें काउंट कर लेंगे. फोर एटम्स होने चाहिए जिसमें, लाइक पी फोर एस एट और पी सी एल फाइव जो है वो हेक्साहोम में चला जाएगा, ठीक है. पॉली में ये सारे आ जाएंगे अब. ओके, दीज ऑल विल बी इन दी पॉली एटॉमिक. मैंने बोला पॉली एटॉमिक, ठीक है. पोटेशियम पेंटाक्लोराइड, PCl5 इज पोटेशियम पेंटाक्लोराइड. क्लियर है? दिस इज द एटॉमिसिटी. अच्छा, मॉलिक्यूलर मासेस एक बार रिवाइज कर लो बस, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो. बेटा आवाज नहीं, मैंने काम दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. Thank you.
कैल्शियम का प्लस प्लस, या तो आप इन दोनों का इकट्ठे यहाँ पे लिख लो, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 117 है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर अगर आपने 17 लिखना है तो 17 लिख लो, नहीं तो सेकंड वे क्या है, 2 × 16 + 2 × 1, ठीक है, दोनों वे से कर सकते हैं हम, या तो इन दोनों को इकट्ठा क्लब करके 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, कितना आया बेटा ये, दिस इज 74 ग्राम्स। नेक्स्ट कैलकुलेट फॉर Al2SO4 थ्राइस, और सिर्फ हाथ चलने चाहिए, मुंह नहीं चलना चाहिए। बेटा देखो करवाया हुआ है मैंने। वत्सल प्लीज कैलकुलेट करो, गर्ल्स अपना अपना करो बेटा। एल्यूमिनियम का कितना है, 27 × + कितने सल्फर हैं, 3 × + 4 × 3 × एक ऑक्सीजन का, ऐसे भी कर सकते हो, या सल्फर 32 + एक ऑक्सीजन का 16 है, 4 ऑक्सीजन का बाहर कर लो मल्टीप्लाई बाय, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, बट अगर आपने ऐसे करना है तो 4 × 3 = 12 होगा, मल्टीप्लाई करना है बाहर, समझ आई बात, ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है जी, इज दिस क्लियर, मुझे एक आधी और एग्जांपल देखने दो, ऐसी देखो बेटा खुद कितना आ रहा है आपका, इफ यू आर गिवन अदर एलिमेंट्स ओके फ्रॉम योर 1 to 20 लिस्ट, तो उनके एटॉमिक नंबर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एटॉमिक मासेस, जैसे कॉपर मैंने लिखा है तो ये फर्स्ट 20 में नहीं आता है, तो मैंने इसका दिया होगा आपको, दैट इज 63.5 ग्राम, अगर लर्न भी करना है तो आप लर्न भी कर सकते हो, 2-4 का जैसे भी है करिए, यही लेना 63.5 ही लेना, चॉक्स निकाल लो अलमीरा में से, हैं चॉक्स तो ले आते हैं, कॉपर का 63.5, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 × 14 + 3 × 2 = 6 ×
16. हां जी कैलकुलेट कर लो बेटा इसको. 187 point. ठीक है आ गया सबका. ओके सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस. एक आपने सिंपल कैलकुलेट किए हैं, एक में ऐसे जहां पर पॉलीएटॉमिक आयंस लगे हुए हैं. ठीक है पॉलीएटॉमिक आयंस ही हैं ये. OH के साथ हमने 2 लगाया है, NO3 है, SO4 है. ओके दीज ऑल आर पॉलीएटॉमिक आयंस. तो व्हेनेवर यू आर हैविंग पॉलीएटॉमिक आयंस बस ये याद रखना है कि जो 2 बाहर आपने दिया है, जो 3 दिया है, वो सबको एलिमेंट्स को देना है अंदर, जो भी ब्रैकेट के अंदर है. ओके अब थर्ड कैटेगरी है नाउ देयर इज थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है जैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो CuSO4.5 वाटर. अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है मैंने, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कैसे कैलकुलेट करना है. जो फर्स्ट वाले हैं उनका सिंपल जैसे आप निकालते हो आपने निकाल लेना है. कल आपने कॉपर सल्फेट का निकाला है, कितना आया? 4. नहीं करवाया. चलो अब निकाल लो कॉपर सल्फेट का. पहले ही देख लो क्या करना है. वी विल बी फाइंडिंग द वेट ऑफ और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है अब ये हमेशा वाटर ही लगे होंगे यहाँ पर अगर ऐसे कंपाउंड्स आएंगे. ओके व्हेनेवर वी आर गोइंग टू गिव यू सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स वेयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी देयर, तो देयर विल बी वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली. ठीक है तो उन वाटर का हमने जो वेट है वो फिक्स कर लेना है. हमें पता है कितना वाटर का वेट होता है? 18 ग्राम्स वाटर का वेट है. कॉपर सल्फेट का निकाल लेना है. निकालो कितना है कॉपर सल्फेट का. पहले 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 16 का 64 कितना है? 169.5 grams. ठीक है उसमें देखो अब गर्ल्स पहले तो देखो ये जो 5 है इसको एज इट इज यहाँ पे रखना है. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 18. यानी कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डॉट है इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है? प्लस. ठीक है इज दैट क्लियर? कितना आया अब? 249.5. नाउ सिमिलरली कैलकुलेट फॉर इसका कैलकुलेट करो. आयरन का 56 मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन इज 56. जो आगे नंबर लगाया है वो लिख देना, आपने डॉट को प्लस में चेंज कर देना यानी कि ऐड ही करना. वाटर का वेट कितना? 18. तो 5 × 18 कर दिए. लिख लो जितना भी आ रहा. डॉट को बस आपने प्लस में चेंज कर देना है यानी कि वो जो 7 वाटर है वो हमने ऐड करने. FeSO4 का निकाल लेना आपने एज इट इज. डेसिमल को आपने प्लस में चेंज कर देना है. 5 जो लिखा है वो आगे लिखो. वाटर का वेट 18 बस वो लिख. बाकी भी बताओ बेटा.
278 आ गया सबका। आयरन का कितना मास, कॉपर का कितना है 63.5, इसका कितना है अब 58। इज दिस क्लियर? Done. रुको मुझे कैलकुलेट करने दो। That is 278. ठीक है, चलिए sit down now, बैठिए अपनी सीट पे। So enough now. Next is very very important topic. First experiment. Now. उसको कहा है लास्ट सेकंड वाले को, जल्दी बेटा इतना टाइम नहीं है। हेवन नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट नाउ। ओके, सॉल्व कर लिया, राइट कर लिया तो पूरे नंबर ठीक है, तीन में से तीन मिल जाएंगे, पांच में से पांच मिल जाएंगे, गलत कर लिया तो तीन गए पांच गए ठीक है, तो मिले तो ज्यादा मिलेंगे, ये हमारी ही देखेंगे, टू में डालना है, थ्री में डालना है कि फाइव में डालना है ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल पार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ठीक है, आप ये आगे भी अपनी क्लासेस में भी पढ़ोगे। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नेक्स्ट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू। आगे क्लास में जाते ही आपने जो फर्स्ट चैप्टर करना है उसमें आपने यही केमिकल फॉर्मूला सारे यूज करना है, आपको पता होने चाहिए। फिर आपसे पूछते हैं क्रिस क्रॉस वाला मेथड याद है जो आप नाइन्थ में पढ़ के आए हो, ऐसे पूछते हैं फिर हम आपसे, और आपको भूल जाता होता है ठीक है, तो भूलना नहीं है बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज मोल कंसेप्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले समझो ये कंसेप्ट है क्या। इफ आई गेव यू 1 kg ऑफ शुगर और मैं आपसे कहूं कि मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसमें कितने शुगर के पार्टिकल्स हैं, आर यू एबल टू कैलकुलेट? सेम अगर मैं आपको ग्रेन्स दे रही हूं ठीक है, दालें दे दी, कोई वीट दे दिया आपको मैंने, और मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें इसके ग्रेन्स जो हैं या इसके सीड्स जो हैं वो मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितने हैं 1 kg में या 1 kg, 2 kg, 3 kg, जितना भी मैंने आपको वेट दिया। ओके, यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट राइट। यही अगर मैंने आपको फ्रूट्स दिए हैं डजन में, यू आर इजिली एबल टू कैलकुलेट दैट? आप बोल दोगे कि इसमें 12 है ना, या आपको जितने भी काउंटेबल थिंग्स जो मैंने आपको दी हैं यू कैन इजिली काउंट देम, आप बता सकते हो काउंट करके कि इसमें इतना नंबर है इसका। सेम इज विद द एलिमेंट्स, एक एलिमेंट है मेरे पास सपोज कार्बन, उस कार्बन के एक एलिमेंट में देयर आर एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। एक एलिमेंट में जो उसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। जैसे मैंने आपको ग्रेन्स दिए हैं, 1 kg ऑफ ग्रेन दिए हैं कोई भी, और मैं आपको कहूं कि उसमें मुझे ये ग्रेन्स के पार्टिकल्स जो है वो काउंट करके बता दो, यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट। सेम अगर मैंने आपको एक कार्बन का एलिमेंट दिया है डैट इज हैविंग अ मास ऑफ 12 ग्राम
and I'm saying you to calculate the number of atoms that are present in this 12 gram of carbon. Are you able to calculate? No, because they are too small, microscopic hain firstly, and they are very very large in number. We can't easily calculate them. ठीक है, तो अब मोल ये साइंटिस्ट के नेम से है जो कंसेप्ट है, तो उसने क्या कहा? He gave one technique in order to calculate the number that is associated with their mass. ठीक है, कि अगर मैं इतना स्पेसिफिक मास ले रही हूं, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे, वो मोल ने दिया था. ओके, द मोल कंसेप्ट इज बेसिकली, वो कहता है कि वन मोल कोई भी चीज को मैं वन मोल कब लूंगी, दैट शुड बी इक्वल टू इट्स मास, मास ऑफ दैट एलिमेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर दैट यू हैव टू रिमेंबर, 6.022 × 10⁻²⁰ इसको हम और कौन सा नंबर कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर. एंड इन शॉर्ट हैंड नोटेशन आई विल बी राइटिंग समटाइम्स एज एन नॉट. अगर मैंने कहीं पे एन नॉट लिखा है तो उसका मतलब ये नंबर ही है. तो उसने ये कहा कि उस स्पेसिफिक मास ऑफ द एलिमेंट में इतने एटम्स होंगे, और ये जो इतने एटम्स हैं ये कितने मोल बनाते हैं? वन मोल बनाते हैं. क्यों? मास फिक्स नहीं है. एटॉमिक मासेस कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14. एलिमेंट मींस एटम. ठीक है, एक एलिमेंट में कितने एटम्स हैं हम वही कैलकुलेट करते हैं. एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं किया अभी, मास ऑफ द एटम. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम. क्लियर हुआ यहां तक? इज दिस क्लियर? कंसेप्ट क्या है ये समझ आ गया आपको? ठीक है, तो वेन एवर वी आर हैविंग वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट वी नीड टू कैलकुलेट, तो उसके केस में मोल ने क्या कहा था कि उतने ही मास ऑफ द एलिमेंट में कितना नंबर होगा एटम्स का? एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल दूंगी, वो टेबल आपने दिमाग में बिठा लिया तो न्यूमेरिकल्स ऐसे निकलेंगे. बस वो टेबल दिमाग में बिठाने की जरूरत है. राइट, सो ड्रॉ द टेबल. This table is going to link all these three. ठीक है, ये टेबल इन तीनों चीजों को लिंक करेगा. बिल्कुल सेंटर में हमने रखना है मोल. बताते वो हम न्यूमेरिकल करूंगे ना, मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, मोल हो गया. दो एरोज लगानी है, 23. दो एरोज लगानी है हमने. इधर लिखो नंबर, कौन सा नंबर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स. ओके, अगर पार्टिकल्स लिखे हैं दैट ऑल्सो सिग्निफाइज एटम्स. अगर मैंने पार्टिकल्स लिखे हैं उसका भी मतलब क्या है? एटम्स ही हैं. ठीक है, अब जब आपने ये कन्वर्जन्स आएंगी आपको, आपने मोल से नंबर में जाना है, ठीक है, नंबर से मास में जाना है, तो ये उन कन्वर्जन्स के लिए है. जैसे आप ग्राम से किलोग्राम्स में जाते हो, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर्स में जाते हो, तो वैसे ही हम ये कन्वर्जन्स चलाते हैं. व्हेन यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम मोल टू नंबर, जब मैंने मोल से नंबर में जाना है, कौन सी एरो फॉलो करूंगी मैं? ये वाली, ऊपर वाली. तो आपने मल्टीप्लाई कर देना. जब आपने मोल से नंबर में जाना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना. किससे करना है वो मैं बताती हूं. जब आपने नंबर से वापस
मोल पे आना है तो फिर आपने डिवाइड कर, किससे करना है, बाय एवोगैड्रो नंबर। अभी टेबल बना लो, इसकी एप्लीकेशन जब हम न्यूमेरिकल में करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो, ठीक है? इज दैट क्लियर? अब सेम इस साइड करेंगे, इस साइड नंबर है, मोल आ गया, अब तीसरा फैक्टर कौन सा रह गया, मास। ओके, अब ये वाला मास जो है, सी ये वाला जो मास है ये हमेशा आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा, ये आपको दिया जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगी, गिवन मास, ये आपको गिवन होगा, हर न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, ठीक है? ये आपको गिवन होगा, तो दैट इज गिवन मास जो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। जब मैंने मोल से इधर जाना है तो क्या किया, यहां पर भी क्या करूंगी, जब वापस गई किससे, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, जो उस मॉलिक्यूल का आप मास कैलकुलेट करोगे उससे डिवाइड करेंगे। जब हमने मास से मोल में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल का जो मास है, अगर एटम दिया है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो कैलकुलेट करके उसका। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आया? अब एक एप्लीकेशन लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स आएंगे, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स ही आएंगे बस। चलो लिखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 51.2 ग्राम ऑफ इट, पहले स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, कहते हैं हाउ मैनी मोल्स, ठीक है? जब भी न्यूमेरिकल करना है टेबल को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या पूछा है आपसे, ये मैंने निकालना है, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड, किस में प्रेजेंट है, इन दोनों में से मास कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो तो नंबर है, वो तो नंबर गिवन होंगे, इतने एटम्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, ओके? तो यानी कि ये मास है, तो ये मुझे कितना दिया हुआ है, जस्ट सी द एरोज नाउ, आपने यू हैव टू मूव फ्रॉम नोन टू अननोन, ऑलवेज रिमेंबर, आपने वो एरो देखनी है जो आपको नोन से कहां तक लेके जा रही है, अननोन, नोन क्या है, अननोन क्या है, इधर को मुझे कौन सी एरो लेके जा रही है, किससे, मोलर, निकालो पहले इसका मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालो, 44। मैंने गिवन मास को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, मोलर मास, किसका मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालो। आपने बिल्कुल परफेक्टली उसको लिखना है, एज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, हाँ जी देखो इधर, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, क्या किया आपने, ऊपर क्या रखा, नीचे
और मॉलिक्यूलर मास। ओके, फिर हमने गिवन मास लिखा 51.2 और फिर उसको डिवाइड किया 44 के साथ। डायरेक्टली नहीं लिखना, ठीक है? पेपर में डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखना है, पूरा फॉर्मूला लिखो पहले वहां पे, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और फिर आंसर निकालो। फॉर्मूलास के भी नंबर हैं, जैसे आपके मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है वैसे ही फॉर्मूलास की भी स्टेप मार्किंग है। फॉर्मूलास लिखा होगा नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखे होंगे तो डिडक्ट हो जाएंगे। 1.163, वेरी गुड। अब निकालना क्या है मैंने, मोल, तो आपने इसके साथ क्या लिखने हैं, मोल। जब आप मास निकालोगे तो क्या लिखोगे, जब नंबर निकालोगे जो भी पूछा होगा, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी। हाँ, अभी तो मोल निकाला तो मोल लिख देना, मास निकालेंगे तो ग्राम्स लिख देना, नंबर निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स। समझ आया? इजी है, सिर्फ किसको देखा है हमने, टेबल को। पेपर में भी टेबल बना लेना है, आराम से न्यूमेरिकल्स हो जाए। ओके, नाउ राइट डाउन द सेकंड वन। होमवर्क हो गया तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे कर लेना। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ, सुन लो, नाइट्रोजन एटम, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम।